शुरुआत में हमें बताया जाता है, ये कहानी है ओपनहाइमर, एक साइंटिस्ट की जिसने एटॉमिक एनर्जी में अपना नाम बनाया, उसको फादर ऑफ एटॉमिक भी कहा गया। इस कहानी में हमें दिखाया गया है अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, उसकी सोच कहाँ तक नहीं जा सकती। और इसी तरह ओपनहाइमर ने भी किया, उनकी सोच बहुत आगे तक की थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनकी सोच किसी को तबाह कर देगी। ये एक सच्ची कहानी है। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया, वो ओपनहाइमर ने बनाया था, और उनकी एटम बम की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, और कई सालों बाद भी उस बम का असर रहा। ओपनहाइमर ने पहला एटॉमिक बम बनाया था जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, और हमारी कहानी भी इसी बारे में है। ओपनहाइमर का ये सफर किसके साथ और कैसा गुजरा? तो कहानी शुरू होती है और हमें ओपनहाइमर दिखाई जाती है। इस वक्त उन पर एक केस चल रहा था, ये केस उनके गद्दार होने के बारे में था कि वो मुल्क के गद्दार है, लेकिन ये इल्जाम उन पर क्यों लगा? तो कहानी जाती है यहाँ से पास्ट यानी माजी में। हम एक कोर्ट को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। ये एक छोटा सा कोर्ट था जहाँ पर ना तो कोई पब्लिशर था और ना ही प्रेस ना पब्लिक थी। इस केस में ये बताया जा रहा था कि ओपनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलनी चाहिए या नहीं, यानी कि उन पर जो इल्जाम था कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया गया और उस बम को बनाने में उन्हीं का हाथ था। जैसा कि हमें पता है वो बम ओपनहाइमर ने ही बनाया था। उनसे पूछा जाता है कि आप बचपन से ही आप ऐसे तबाही दिमाग वाले थे? तो यहाँ से कहानी जाती है पास्ट माजी में। जब ओपनहाइमर ने अपना ये सफर शुरू किया, उनकी कॉलेज के टाइम में चली जाती है। क्लास में जब केमिस्ट्री के टीचर उन्हें पढ़ा रहे थे, उनका ज्यादा ध्यान नहीं था क्योंकि उनके दिमाग में एटॉमिक एनर्जी घूम रही थी। तो टीचर पूछते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? वो बताते हैं मैंने फिजिक्स के लेक्चर लेने जाना है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओपनहाइमर की दिलचस्पी फिजिक्स में बहुत थी, पर तभी क्लास में काम के दौरान उनके हाथ से कुछ केमिकल्स की बॉटल गिर जाती है। ओपनहाइमर के टीचर कहते हैं कि अब तुम्हारी ये सजा है, तुम यहीं पर रहकर सभी बॉटल्स को एक साथ रखोगे, और बाकी के लोग फिजिक्स का लेक्चर सुनने चले जाते हैं, जिनमें उनके टीचर भी शामिल थे जो उस वक्त के बेहतरीन फिजिक्स के टीचर दे रहे थे। ओपनहाइमर जिनको सबसे ज्यादा जल्दी थी उन्हें क्लास में ही रोक लिया गया था। तभी काम करते हुए ओपनहाइमर को गुस्सा आ जाता है। उन्हें वहाँ पर एक जहर की शीशी मिलती है जिसको लेकर वो अपने टीचर के सेब में एक इंजेक्शन के जरिए भर देते हैं, क्योंकि उनके टीचर ने इन्हें सजा दी थी और जल्दी से खुद भी बारिश में भीगते हुए लेक्चर लेने पहुँच गए थे। वहाँ पर जब फिजिक्स के टीचर अपना लेक्चर खत्म कर चुके थे तो सबसे पूछते हैं क्या किसी का कोई सवाल है मेरी बातों के मुताबिक एटॉमिक एनर्जी के बारे में? तो ओपनहाइमर उनसे सवाल पूछते हैं। ये अब उनकी किस्मत थी या फिर कुछ और? अगले दिन ओपनहाइमर को अकेले क्लास में बुलाया जाता है जहाँ पर उस फिजिक्स के टीचर के साथ उनके अपने टीचर भी खड़े थे, और जिस सेब में उन्होंने जहर मिलाया था वो उस फिजिक्स के टीचर के हाथ में था। वो ओपनहाइमर से कहते हैं देखो तुम्हारा दिमाग मैं जान चुका हूँ बहुत तेज चलता है, फिजिक्स क्वांटम में बहुत आगे हो, मगर हाँ तुम्हारी कुछ थ्योरीज कमजोर है, मैं चाहता हूँ तुम अपनी थ्योरीज को थोड़ा मजबूत अच्छा करो, यहाँ से कहीं दूर जाकर मैं अभी भी तुम्हें एक काबिल आदमी देख सकता हूँ। मैं तुम्हें कॉलेज का नाम बताता हूँ, तुम वहाँ पर जाकर एक टीचर से मिलो, वो तुम्हें बताएंगे कि कैसे थ्योरीज को अच्छा किया जा सकता है और तुम कैसे आगे बढ़ोगे, क्योंकि उस वक्त फिजिक्स के बारे में कोई इतना अच्छा और इतना ज्यादा नहीं जानता था। ये बहुत बड़ी बात थी जो बात सिर्फ ओपनहाइमर के अंदर नजर आती थी। उस वक्त के लोग एनर्जी एटम बॉम्ब इन चीजों में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं लिया करते थे। ओपनहाइमर रशियन थे मगर फिर भी फिजिक्स में दिलचस्पी की वजह से वो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे यहाँ से आके उनकी मंजिल है। तो यहाँ पर हमें कभी पास्ट और कभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाएगा, यानी कि कभी कोर्ट का और कभी ओपनहाइमर की जिंदगी का, कि उन्होंने इस बॉम्ब को बनाने का सफर कैसे किया और उन पर जो इल्जाम लगा है उसको वो कैसे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अमेरिका और रशिया में बिल्कुल भी नहीं बना करती थी। इनकी मेन कड़ी थी कम्युनिस्ट, जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान में झगड़े को बढ़ाने का काम किया करते थे। यही पर पार्टी में एक दिन ओपनहाइमर की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जीन था, जो एक कम्युनिस्ट थी। जीन जो कि ओपनहाइमर की फिजिक्स पर फिदा थी, वो जान चुकी थी कि अगर आगे कुछ बड़ा होगा तो वो ओपनहाइमर ही करेगा। कुछ दिन के बाद ओपनहाइमर की मुलाकात एक साइंटिस्ट से होती है जो एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च कर रही थी। यहाँ पर ओपनहाइमर की कुछ थ्योरीज फेल हो जाती है और फिजिक्स के तजुर्बे कामयाब हो रहे थे। उनको इन्हीं चीजों पर रिसर्च करते हुए काफी साल गुजर जाते हैं। इसी दौरान उन्होंने एक कॉलेज में फिजिक्स क्वांटम को भी पढ़ाया। ओपनहाइमर ने अपनी जिंदगी के बहुत से साल फिजिक्स के तजुर्बों में गुजार दिए थे। फिर आगे ओपनहाइमर की मुलाकात के नाम की लड़की से होती है। उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ओपनहाइमर और
और टीटी की शादी हो जाती है। मगर ओपनहाइमर के दिल में अभी भी जीन थी, वो उसे जाकर मिला भी करते थे। एक दिन जीन ओपनहाइमर से कहती है कि तुम मेरे पास ही रुक जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मगर ओपनहाइमर ने उसे समझाया कि मेरी शादी हो गई है और अब मैं आइंदा तुमसे नहीं मिलूंगा, दोनों का दूर जाना ही ठीक रहेगा। एक दिन उनके ऑफिस में अमेरिकन जनरल आते हैं। वो बताते हैं कि हमें पता चला है कि रशिया में भी एटॉमिक बॉम्ब पर काम किया जा रहा है, अगर उन्होंने हमारे से पहले एटॉमिक बॉम्ब को बना लिया तो हमारा खात्मा जल्दी हो जाएगा। मैं समझता हूँ आपसे ज्यादा अच्छा एटॉमिक एनर्जी के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए मैं चाहता हूँ आप हमारे लिए एक ऐसा बॉम्ब बनाएं। मगर इस काम के लिए ओपनहाइमर बताते हैं कि हमें इस बॉम्ब को पूरा करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट, एक बड़ी जगह और बहुत सारे पैसों की जरूरत है। सब चीजों का बंदोबस्त कर लिया गया था। इस काम के लिए एक बहुत बड़ी जगह ली जाती है, एक शहर बसाया जाता है। ओपनहाइमर ने साइंटिस्ट की टीम को भी जमा कर लिया था, साथ ही वहाँ पर उनकी फैमिलीज भी शिफ्ट हो गई थी क्योंकि ये काम कुछ सालों तक चलना था। यहीं पर ओपनहाइमर के पास एक साइंटिस्ट आता है जो अपने क्वेश्चंस के चलते बताता है कि ये काम बहुत खतरनाक है, अगर एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करते जरा सी भी गलती हुई तो एक ब्लैक होल बन सकता है जो इर्द गिर्द के एरिया को तबाह कर देगा। तो इस बात का पता करने के लिए ओपनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाते हैं। उनका भी कहना यही था कि अगर तबाही हुई तो एक बड़े पैमाने पर होगी। यहाँ से सीन दोबारा कोर्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर यही बातें चल रही थी। ओपनहाइमर से सवाल जवाब किए जा रहे थे कि तुमने इतनी बड़ी तबाही को अपने सिर क्यों लिया, तो किसी का यहाँ पर ये कहना था कि ये एटम बॉम्ब हम लोगों के लिए बनाना जरूरी था, अगर हम ऐसा ना करते तो दुश्मन मुल्क हमें तबाह कर देता। सीन दोबारा से पास्ट यानी माजी का दिखाया जाता है जहाँ पर इस बॉम्ब को बनाने के लिए 4 साल लगे थे, बहुत से लोगों की मेहनत और ढेरों पैसे। इसी बीच ओपनहाइमर को ये भी खबर मिलती है कि जीन की मौत हो गई है, जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ था क्योंकि जीन ने इन्हें कहा था कि मुझे तुम्हारी जरूरत है तो मेरे साथ ही आकर रहो। ये वक्त ओपनहाइमर के लिए बहुत मुश्किल था, एटम बॉम्ब बनने वाला था और जीन की मौत का सदमा इनके दिल में था, मगर फिर भी इन्होंने हिम्मत से काम लिया और अपने काम को जारी रखा। तभी यहाँ पर वही साइंटिस्ट जिसने ब्लैक होल के बारे में बताया था इन्हें हाइड्रोजन के इस्तेमाल का मशवरा देता है जो कि एटॉमिक एनर्जी से 1000 गुना ताकतवर है। तब ओपनहाइमर इस बात पर बहुत सोचते हैं, उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि अगर उन्होंने हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके बॉम्ब को बनाया तो बाकी के मुल्क भी ऐसे बॉम्ब को बना सकते हैं, और अगर कभी वर्ल्ड वॉर 3 या इनके मुल्कों के दरमियान में तीसरी जंग छिड़ गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, पूरी दुनिया धूल में उड़ जाएगी, इसीलिए वो हाइड्रोजन के इस्तेमाल से मना कर देते हैं। मगर हाँ, उस साइंटिस्ट से ये वादा करते हैं कि वो आने वाले कल में उससे जरूर मशवरा लेंगे। इनका बॉम्ब पूरा हो चुका था जिसको अब टेस्ट किया जाना था। पहले टेस्ट में ही बहुत बड़ा धमाका होता है, इतना बड़ा कि इनके सर से टोपियां तक उछल गई थी। अब अगला काम ये था कि इस बॉम्ब को गिराना किस पर है, इसलिए ये कानून इन्होंने अपने प्रेसिडेंट से पास करवाना था। इस वक्त रशिया भी एक बड़ी ताकत थी और अमेरिका भी इसमें कमजोर था, तो जापान प्रेसिडेंट को अपना शिकार जापान नजर आ रहा था, तो ये वहाँ की 16 जगहों को पॉइंट आउट करते हैं। इनमें से इन्होंने एक जगह को चुना था और वो नाम आता है हिरोशिमा नागासाकी का। अब इनके बॉम्ब का आखिरी टेस्ट होना था, उस दिन बारिश हो जाती है और इसी वजह से वो टेस्ट भी रुक गया था। इसी दौरान इनके जनरल को भी न्यूयॉर्क पहुंचकर सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आखिर इतने सालों में इन्होंने इतनी मेहनत करके जो चीज बनाई है वो सच में काम भी करती है या नहीं। और इस आखिरी टेस्ट के कुछ घंटों पर ही कई सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। फिर बारिश रुक जाती है, सब लोग अब अपनी सांसें थाम लेते हैं। शुरुआत होती है ऐसे धमाके की जिसने अपना नाम बना लिया। ये धमाका इतना बड़ा और इतना खतरनाक था कि जमीन तक हिल गई। इनका बॉम्ब बनाने का तजुर्बा कामयाब हो गया था, सभी बहुत खुश थे और अब ये बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराने के लिए तैयार होते हैं। और जब ऐसा किया गया जहाँ पर अमेरिका की गवर्नमेंट बहुत खुश थी, वहीं पर ओपनहाइमर का दिल उदास था। उन्हें दुख हो रहा था कि उनकी वजह से कितनी फैमिलीज खत्म हो गई, बहुत से बच्चे माओ से जुदा हो गए, उनके फ्यूचर तबाह हो गए। वो हादसा इतना दर्दनाक था, ओपनहाइमर की आंखों में वही मंजर घूम रहा था। वो अपनी इस कामयाबी के बाद जब अमेरिका में स्पीच देते हैं तो वो सिर्फ बाहर से खुश थे मगर अंदर से वो बहुत उदास थे। उन्हें अपनी हर तरफ लाशें नजर आ रही थी, जिसके बाद उनकी मुलाकात अमेरिका के प्रेसिडेंट से होती है। ओपनहाइमर कहते हैं, देखिए हमने इस बॉम्ब की प्रोडक्शन तो कर ली लेकिन हमें यहीं पर इसको रोक देना चाहिए, अगर हमने इसको यहीं पर ना रोका तो दूसरे मुल्क भी ऐसा ही करेंगे, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, इसका सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। प्रेसिडेंट कहते हैं, देखो ये बॉम्ब तुमने नहीं बल्कि हमने गिराया है, फ्यूचर यानी कि आने वाले कल में भी इस पर काम होता रहेगा। अपनी इन कामयाबियों की वजह से ओपनहाइमर बहुत ज्यादा मशहूर तो हो गए थे मगर यहीं पर उन्होंने अपने इस काम को रोक दिया। यहाँ से कहानी कोर्ट में जाती है जहाँ पर पुलिस वाले बहुत से साइंटिस्ट इस बात पर दलीलें दे रहे थे कि आखिर कौन कौन कैसे इस बॉम्ब को बनाने वाले प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ था, और यही वजह थी जब ओपनहाइमर ने
और भी बम बनाने से इनकार किया तो उन्हें मुल्क का गद्दार कहकर इन्हें केस में फंसा दिया गया। यहाँ पर सबकी ओपेनहाइमर के बारे में यही सोच थी कि उनका दिमाग इतना तेज कैसे चला कि उन्होंने दुनिया को तबाह करने का बहुत बड़ा हथियार बना लिया। दरअसल यहाँ पर ओपेनहाइमर को फंसाने में एक साइंटिस्ट लेविस की चाल थी, जो शुरू से चाहता था कि ओपेनहाइमर उनके साथ हाइड्रोजन पर मिलकर काम करे, मगर उन्होंने उसके साथ काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो जानते थे इस काम से बहुत बड़ी तबाही हो सकती है और उसी ने ओपेनहाइमर को केस में भी फंसाया था। अब यहाँ पर कोर्ट में ओपेनहाइमर की बीवी आती है, जिसके पास उस साइंटिस्ट के खिलाफ सबूत थे, जिसके बिना पर ओपेनहाइमर को रिहा कर दिया गया। अब उनके बनाए जाने वाले बॉम्ब्स पर और भी काम किया जाने लगा। कहानी के आखिर में हमें ओपेनहाइमर अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास दिखाए जाते हैं, जो उनसे बॉम्ब में हाइड्रोजन के इस्तेमाल का पूछते हैं, जिस पर उनका जवाब था जरा देख कर और संभल कर, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉम्ब में इस्तेमाल बड़ी तबाही ला सकता है और इस तबाही का मैंने तुम्हें एटम बॉम्ब बनाने से पहले भी बताया था। तो मूवी तो यहाँ पर खत्म हो गई, पर आगे क्या होने वाला था ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन ओपेनहाइमर को पहले ही इन तबाहियों का अंदाजा हो रहा था। वो आसमान की तरफ देखते हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।